नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी की सेहत अच्छी होगी। दोस्तों, कई बार मुझे रोगी हमारे मेरे और कई बार मेरे पेशेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सी बुक पढ़ते हो, होम्योपैथी में कौन सी बुक इम्पोर्टेंट है। तो आज मैं एक वैसे तो बहुत सारी बुक्स के बारे में हम रेफरेंस देते हैं और बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, एक एक करके बुक्स के बारे में बताऊंगा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बुक के बारे में हम बात करने वाले हैं। इस बुक का नाम है एलन स्किनोट्स। यहाँ पे एक पिक्चर लगा देता हूँ। एलन स्किनोट्स की मेरी बुक की हालत आप देखोगे तो समझ जाओगे, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली मैं यूज़ करता हूँ इसलिए इसके हाल ऐसे हो गए। ये बहुत ही उपयोगी बुक है होम्योपैथिक चिकित्सा में, बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ग्रंथ मैं कहूँगा इसे, ये ग्रंथ है। आज इस बुक के विशेषताओं के बारे में जानेंगे, इसे किस तरह से यूज़ करना है इसके बारे में हम विस्तार में जानेंगे। एलन स्किनोट्स में हमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के सिम्टम्स और उनके कीनोट्स मिलते हैं। अब कीनोट सिम्टम यानी कोई भी सिम्टम यदि बार बार एक दवा के अंदर वेरीफाई होते हैं तो उनको हम कीनोट सिम्टम्स कहते हैं, और इन्हीं सिम्टम्स को लेके एलन स्किनोट्स बनाई गई है। दिखने को ये कंडेंस वर्जन दिखता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिम्टम्स हमें ये बताते हैं कि किस तरह से कौन सी बीमारी में कौन सी दवा का उपयोग हमें करना चाहिए। ये बुक हमारे लिए एक गाइड की तरह काम करती है। इस ग्रंथ में हर मेडिसिन के लिए विविध प्रकार के सिम्टम्स दिए हैं। ये सिम्टम्स बॉडी के अलग अलग पार्ट से जुड़े होते हैं, जैसे कि हेड्स, आईज, नोज, थ्रोट, चेस्ट, स्टमक एंड सो ऑन। इन सिम्टम्स को समझने से हमें ये पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन का उपयोग कौन से लक्षणों पे हमें करना चाहिए। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए, क्योंकि होम्योपैथी में अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग दवाइयाँ हम दे सकते हैं, और इन दवाइयों का चयन करने में ये बुक हमारी काफ़ी मदद कर सकती है। एलन स्किनोट्स में सभी मेडिसिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज है, इससे हमें मेडिसिन को ढूंढने में और उनके सिम्टम्स को समझने में आसानी जाती है। इस ग्रंथ को प्रयोग करने से हमें बीमारियों के लिए सही दवाओं का सिलेक्शन करने में मदद मिलती है। एक इम्पॉर्टेंट बुक है किसी भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करने वाले व्यक्ति के लिए, उनके ओपीडी में ये बुक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस ग्रंथ के उपयोग करने के लिए हमें होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स और उनके कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी होता है। इसीलिए अगर आप बिगिनर हो तो पहले होम्योपैथी की बेसिक नॉलेज हासिल कर ले, ताकि आप इस ग्रंथ का सही इस्तेमाल कर सके, इस बुक को सही तरह से ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल कर सके और अच्छे रिजल्ट आप पेशेंट को दे सके। एलन स्किनोट्स एक होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स है। इसके वैल्यू का हम शब्दों में बयान कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं अगर बताते जाऊँ तो शायद एक दो ये सेशन भी कम गिरे, लेकिन यही समझना होगा कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। इससे हमें सही मेडिसिन सिलेक्शन में मदद मिलती है और ट्रीटमेंट का जो प्रोग्रेस है वो भी एनहांस होता है। ये ग्रंथ एक बहुत ही रिलायबल रेफरेंस बुक है, टाइम टेस्टेड बुक है, बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ इस बुक के ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा रिलायबल ये बुक है। हम अपने पेशेंट्स की समस्याओं का यदि समाधान करना चाहते हैं तो इस बुक को आपने ज़रूर रेफर करना चाहिए, ज़रूर इस बुक को साथ रखना चाहिए। तो दोस्तों, एलन स्किनोट्स होम्योपैथिक प्रैक्टिस में एक महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये ग्रंथ हमारे लिए एक गाइड है जो सही मेडिसिन का सिलेक्शन करने में मदद करती है। इसका उपयोग करके हम अपने पेशेंट्स की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये जो मैंने एलन स्किनोट्स के बारे में बताया ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, और साथ ही साथ आपको समझ में आया होगा कि इस कितनी महत्वपूर्ण बुक है किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर के लिए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको और भी होम्योपैथी से रिलेटेड टॉपिक पर वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए ज़रूर मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि आपको कौन से विषय पर आपको नए वीडियोस चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह का कोई इंटरेस्टिंग बुक के बारे में आपके पास में जानकारी, शायद मैं अगली बार भी लेके आऊँ। तब तक के लिए आप सभी की इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।